गुड आफ्टरनून। आज हम 29 जुलाई 2022 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। वेदांता ने गुरुवार को उच्च बिक्री मात्रा, कमोडिटी की कीमतों और रणनीतिक हेजिंग लाभ के कारण अप्रैल जून तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 4.6% की मामूली वृद्धि दर्ज की, जो 4,421 करोड़ रुपए पर था। विविधीकृत प्राकृतिक संसाधन कंपनी ने एक साल पहले की अवधि में 4,224 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था, वेदांता लिमिटेड ने बीएसई फाइलिंग में कहा। सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने गुरुवार को जून तिमाही में स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 70% की गिरावट के साथ 308.44 करोड़ रुपए की सूचना दी, मुख्य रूप से खराब ऋणों के लिए उच्च प्रावधान और ब्याज आय में गिरावट के कारण। बैंक ने एक साल पहले की अवधि में 1,023.46 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल आय घटकर 21,294 करोड़ रुपए रह गई। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार एक साल पहले की अवधि में यह 22,515 करोड़ रुपए पर था। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए 1,187.60 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 570.80 करोड़ रुपए था, जो साल दर साल 108% की वृद्धि दर्ज करता है। परिचालन से कंपनी का राजस्व 30 जून को समाप्त तिमाही में 6% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 5,215.40 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 4,919.40 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। कंपनी ने रोडकास्ट टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो अंतिम मील डिलीवरी संचालन के प्रबंधन के लिए एक रसद मंच प्रदान करता है। अधिग्रहण की लागत 14.98 करोड़ रुपए है। बिमल दयाल ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इंडस टावर्स के बाहर के अवसरों का पीछा करने का फैसला किया है। होटलों के मालिक, डेवलपर और संपत्ति प्रबंधक शैले होटल्स को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI KT3 टर्मिनल पर एक होटल विकसित करने के लिए अनुबंध से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही CHL उत्तरी भारत के बाजार में प्रवेश करेगा। यह नियोजित व्यापार विस्तार रणनीति और कंपनी के भौगोलिक विविधीकरण के अनुरूप है, यह एक बयान में कहा गया है। आगामी टर्मिनल होटल देश में कंपनी की 9वीं आतिथ्य संपत्ति होगी और इसमें 5 सितारा डीलक्स स्पेस में तैनात 350 से 400 कमरे होंगे। जीवन बीमा कंपनी ने जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ में सालाना आधार पर 17.78% की वृद्धि दर्ज की और यह 262.85 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। शुद्ध प्रीमियम आय पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32.76% बढ़कर 11,036 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन जून वित्त वर्ष 23 तिमाही के लिए निवेश से आय 7,409.91 करोड़ रुपए की आय के मुकाबले नकारात्मक 6,405.66 करोड़ रुपए पर आ गई। निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने 7 जनवरी से 26 जुलाई के दौरान खुले बाजार के लेनदेन के माध्यम से कंपनी में 21.23 लाख इक्विटी शेयर या 3.34% हिस्सेदारी खरीदी। इसके साथ ही नीलम में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 5.03% हो गई, जो पहले 1.69% थी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। इस तरह की अधिक खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को साझा करें और सदस्यता लें। धन्यवाद।